हमारी संस्था में सब लोग बहुत उत्सुक है जीवदया बेन को देखने के लिए। सब लोगों ने उनके काम के बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज तक उनको कोई मिला नहीं। उनके दर्शन करने के लिए ही तो ये प्रोग्राम रखा था। अगर वे नहीं आएंगे तो पूरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। इन्विटेशंस भी बढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हमारे प्रोग्राम में। देखिए कार्यक्रम 6 बजे का है, उनको कहिए कि दोपहर की फ्लाइट पकड़ के तुरंत आ जाए। जो भी खर्चा होगा फ्लाइट का हम दे देंगे। माँ को प्लेन का टिकट मिले कि नहीं? अरे टिकट मिले क्या, माँ तो एयरपोर्ट पहुंच भी गए। मुंबई एयरपोर्ट? अहमदाबाद एयरपोर्ट। हाँ तो कितने बजे पहुंच रहे मुंबई? बस मुंबई से विमान अहमदाबाद पहुंचे, माँ उसमें बैठेगी और 1 घंटे में मुंबई। अच्छा 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 अच्छा, नहीं माँ तो समय सर पहुंच जाएगी, लेकिन आप लोग समय सर घर से निकल जाना और ठीक 5:30 बजे राधा कृष्ण हॉल अंधेरी वेस्ट पहुंच जाना। ओके? हाँ हाँ पहुंच जाएंगे। अरे क्या तैयार हो जाइए, अभी 12 बज रहे और 5:30 बजे पहुंचना है, ऐसा सुंदर ने बोला है तो अभी तो बहुत टाइम है। हाँ तो ठीक है, ठीक 4:30 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे। हाँ 4:30 बजे निकल जाएंगे, ठीक है तो अभी तो बहुत टाइम है। तो बापू जी आराम कीजिए, सो जाइए थोड़ी देर, सुबह बहुत जल्दी उठे है ना। नहीं नहीं मुझे अभी ऐसा कोई सोने की जरूरत नहीं है, लगता है तुझे सोना है। नहीं नहीं मुझे अभी नहीं, खाना खाने के बाद 1/2 घंटा जबके मार लूंगा। क्या शाम को अवार्ड के प्रोग्राम में जरा स्फूर्ति रहे ना, इसलिए बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं अभी सोने की। बापूजी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ आता हूँ। टपू के पापा आप सोनी भाई को फोन कर लीजिए, वो गाड़ी लेकर आने वाले है ना, तो उनको कह दीजिए कि वो 4:30 बजे तैयार रहे। हाँ नहीं बराबर है बराबर है, हाँ उसको बोल देता हूँ। हाँ छोटी बोले बोले जेठा ब्रा, अभी देख हमको 4:30 बजे यहाँ से निकलना है वो प्रोग्राम में जाने के लिए। अरे जेठा ब्रा ओ यारों का यार, तुझे बिल्कुल भी फिक्र ना करो, छोटी ते छोटी थी गड्डी और एकदम मिलेगी रेडी, ठीक 4:30 बजे टच। ठीक है ओके, बोल दिया बस 4:30 बजे तैयार रहेगा वो। टप्पू के पापा बराबर 4:30 बजे निकल जाएंगे। हाँ हाँ 4:30 बजे मतलब 4:30 बजे टिच इंग्लिश टाइम। बापूजी बस 2 मिनट फटाफट कपड़े बदल के मैं आता हूँ। बोला था ना टिच 4:30 बजे रेडी हो जाऊंगा, देखो रेडी हो गया। अरे भाई तू तैयार है लेकिन ये तैयार नहीं है ना। क्यों गया जेठा ब्रा, तबियत तो ठीक है ना? नहीं नहीं तबियत ठीक है छोटी। तो फिर तैयार क्यों नहीं हुए यार? वो क्या है छोटी भाई, टप्पू के पापा सुबह बहुत जल्दी उठे थे तो अभी खाना खाने के बाद थोड़ा झोंका खा रहे थे तो। अरे भाई वो सब लपन छपन छोड़, बाबू जी मैं क्या कहता हूँ, जो जो तैयार है वो नीचे उतरते जाओ ना, मैं फटाफट कपड़े बदल के आया। ये जो जो तैयार है वाली तुझे दिख नहीं रहा है, तेरे अलावा सब लोग तैयार है, क्या जल्दी से तैयार हो गया, सब साथ में नीचे उतरते हैं। जी जी बाबू जी जी। कमाल। अरे कहाँ है भाई जेठालाल, कहाँ है आपके परम मित्र, आज भी लेट? आ जाएंगे बेड़े, उन्हें भी पता है कि चलना है। पर तारा कितनी देर, 5:45 बज गए। अभी आते ही होंगे अभी। अरे सोडी अंकल ये क्या, आपके जीप की जगह पे इतनी बड़ी गाड़ी? ओए टप्पू पुत्र, और तुम्हारी नानी जी का फंक्शन है तो बड्डे अवार्ड के लिए गड्डी भी तो बड्डी होनी चाहिए। वाह सोडी वाह। और थैंक यू चाचा जी। दादाजी मुझे तो जल्द से जल्द हॉल पहुंचकर अपनी नानी से मिलने का मन कर रहा है। हाँ बेटा। पता नहीं नानी कैसी होगी। अरे टप्पू दिखा, नानी माँ की तो बात ही निराली है, और तुम्हें देखते ही वो ऐसे गले लगा लेगी और इतना प्यार करेगी कि पूछो ही मत।
दया भाभी मेरी तरफ से पहले अभिनंदन बोलना आपकी माँ को प्लीज। हाँ जेठालाल, जैसे ही दया भाभी की माता जी को लेकर वहाँ से निकलो एक फोन अवश्य कर देना, मतलब हम लोग यहाँ पे तैयारी करके रखेंगे, वरना ऐसा ना हो कि फिर से माता जी आई नहीं और पटाखे फूट गए। नहीं नहीं बराबर है बराबर है भाई, वहां से निकलने से पहले फोन जरूर कर दूंगा। और वैसे भी सुंदर से बात हो चुकी है, माता जी आ चुकी है तो वो भी एक चिंता की बात नहीं है। टप्पू के पापा चलिए ना जल्दी चलते हैं, वैसे भी लेट हो गया है। हाँ चलो भी चलो, नहीं तो पता चला दया पापा जी की माता जी को अवार्ड मिल गया और हम लोग पहुँचे नहीं। अरे भाई मुझे तो अवार्ड से ज्यादा माता जी को देखना है, अरसा हो गया ना देखे हुए उनको। चलो 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 अभी खड़े क्या, चल बाय 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 फ्रेंड्स। टप्पू बेटा वो सीट जरा खोल देना, मेहता साहब के लिए। आइए बाबूजी, आइए 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 मेहता साहब, आइए संभल के आइए। हाँ चलो चलो भाई चलो। अरे ये क्या, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ओ मेनू लगता है सब लोग शायद हॉल के अंदर होंगे इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। एक मिनट में पूछता हूँ भाई साहब। भाई साहब आज यहाँ पे इस हॉल में जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया क्या? नहीं यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं है, सुबह था सुबह ही खत्म हो गया। ये सुंदर क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ, हमको बताता है कि अवार्ड का प्रोग्राम शाम को है और ये भाई साहब तो बता रहे हैं अवार्ड का प्रोग्राम सुबह हो गया। अरे क्या सॉरी, सुबह कोई अवार्ड फंक्शन नहीं था, शोक सभा थी। मतलब अभी यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है? नहीं जेठालाल, कहीं हम लोग गलत पते पे तो नहीं आ गए? अरे क्या गलत एड्रेस पे आ गए, मैं तो सब लिखे देखो साफ साफ राधा कृष्ण हॉल। एक मिनट तुम मुझे प्रोग्राम का पास दो। एक मिनट पकड़िए। अरे भाई मेहता साहब राधे कृष्ण हॉल लिखा है भाई। हाँ भाई तुम्हें पढ़ लेता हूँ ना एक बार, कंफर्म करने में क्या हर्ज है, पता चल जाएगा अभी। राधे कृष्णा हॉल अंधेरी वेस्ट और हम लोग हैं राधे कृष्णा हॉल अंधेरी ईस्ट में। जेठालाल हम लोग गलत पते पर आ गए। जेठालाल तुमने घर से निकलते वक्त चेक नहीं किया था कि एड्रेस क्या है? नहीं क्योंकि वो पहले वो सुंदर का फोन आया था तभी उसने बताया था कि अंधेरे में राधे कृष्ण हॉल में है, तो ये हॉल मुझे पता था बापूजी क्योंकि हम व्यापारियों के एक दो प्रोग्राम इधर हो चुका है तो मैं आ चुका हूँ इधर। लेकिन जेठालाल इस वक्त हमें राधा कृष्ण हॉल अंधेरी वेस्ट में जाना है और हम लोग राधा कृष्ण हॉल अंधेरी ईस्ट में खड़े हुए हैं। अरे भाई मुझे क्या पता कि इसकी और शाखा वेस्ट में भी खुल चुकी है। ओहो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अभी ईस्ट से वेस्ट जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पक्का हम लोग लेट हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि नानी माँ मुझे मिले बगैर ही चले जाए। अरे सुब सुब बोल बेटा। पती जी, अब क्या होगा? हम माँ को मिल पाएंगे कि नहीं? टप्पू के पापा ये आपने क्या किया? मैंने क्या किया? ये क्या किया वाली? कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं तेरे में? आलसी कहीं का, तैयार तो लेट होता ही है, ऊपर से पता भी ठीक से नहीं पड़ता। हो जाता है कभी चाचा जी। बापू जी अभी हम लोग यहाँ खड़े रहकर ऐसा बहस करते रहेंगे तो और लेट हो जाएंगे, अभी निकलते हैं यहाँ से, चलो जल्दी। फोन आया। हाँ। अरे बाप रे सुंदर का फोन है। अरे बाप रे क्या कर रहा है, फोन उठा। हाँ बोल सुंदर। हेलो जीजा जी कहाँ रह गए? अरे कब आओगे आप, आज आने वाले हो कि नहीं? अरे भाई आने के लिए हम लोग घर से कब के निकल चुके लेकिन गलती से गलत पते पे पहुंच गए। क्या जीजा जी आप मुंबई के होके मुंबई में खो जाते हो, हम अहमदाबाद से आते हैं फिर भी सही एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। अरे भाई अभी तो फोन रख वरना हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ जल्दी पहुंचे जीजा जी जल्दी पहुंचे, यहाँ प्रोग्राम शुरू हो गए, माँ भी आ गई है, अब जल्दी पहुंचो। नहीं नहीं बस हम पहुंच रहे प्रोग्राम चालू हो गया। छोड़ी प्रोग्राम चालू हो गया, जल्दी गाड़ी चालू कर। अरे आराम से सोडी। नहीं नहीं आराम से क्या,
सोडी भाई जरा जल्दी चलाएंगे ब्लाउज। हाँ जी। अरे क्या जल्दी चलाएंगे दया, ये गाड़ियों का विमान थोड़ी है जो उड़ा के ले जाए। तू चुप रह जेठिया, ये सब गड़बड़ तेरी वजह से हुई है, ऊपर से बहू पे हुशियारी मार रहा है। छोटी गाड़ी उड़ा उड़ा गाड़ी। हाँ जेठा ब्रा, देखो अभी उड़ाता हूँ गड्डी। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो भाई, तुम तो बोलोगे तो वो तो चलाएगा विमान की तरह। नहीं नहीं सोडी, तू आराम से गाड़ी चला भाई, और तेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ एड्रेस पे होना चाहिए सोडी, कहीं फिर से गलत एड्रेस पे ना चले जाए। अरे मैदा साहब तुसी बिल्कुल फिकर ना करो, ओए एड्रेस और एक्सीलरेटर दोनों मेरे कंट्रोल में है जी। हाँ ठीक है, फिर भी सोडी भाई संभाल के। हाँ हाँ जी हाँ जी, और तुसी चिंता ना करो जी। शाबाश सोडी शाबाश, चलो जल्दी से पहुंचे थे भाई, प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ चाचा जी, तुसी बिल्कुल फिकर ना करो जी। ए माता जी कृपा कर ले, माँ का सम्मान शुरू हो उसके पहले ही हमें पहुंचा देना माँ। हाँ भगवान प्लीज वक्त पे पहुंचा देना, वरना जिंदगी भर मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अब बिल्कुल सही एड्रेस पे आए, बैनर वैनर लगे हुए, यही जगह यही जगह। टप्पू के पापा देखिए, माँ का नाम अतिथि इसमें लिखा है, जीवदावेन। और दया भाभी को भी कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, देखो तो। वो तो लिखे नहीं ना, समाज में मेरी माँ का बहुत बड़ा नाम है। अभी यही खड़े रह के बातें करने की, अंदर भी चलना है। चलो आ गए आप लोग। अरे सुंदर बोलो। अरे माय डियर जीजा जी, आप लोगों ने आने में कितनी देर लगा दी। ये जेठिया ने सब गड़बड़ कर दी। सॉरी बापूजी, हो गई गलती, अभी छोड़िए ना, अभी चलते अंदर। चलिए चलिए। एक मिनट टप्पू के पापा, एक मिनट। वीरा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है, मुझे माँ को मिलना है। हाँ मामा, मुझे भी पहले नानी। सॉरी मामा, मुझे सबसे पहले नानी माँ से मिलना है। नहीं मिल सकती। अरे थोड़ी देर पहले माँ यहीं पर खड़ी थी, अब सब लोगों का इंतजार कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने आने में कितनी देर लगा दी। ये जीते ने सब गड़बड़ कर दी। अरे सॉरी सॉरी मेहता सर, सॉरी बापूजी, अभी हो गई गलती, छोड़िए ना भाई। तू ये बता तो, अभी सासू माँ कब मिलेंगे? माँ मिलेगी लेकिन प्रोग्राम के बाद। अरे भाई सुंदर, तो अब हम क्या करें? हो वीरा, आप लोगों की सीट खाली है, अब फटाफट जाके बैठ जाइए, माँ की एंट्री कभी भी स्टेज पे हो सकती है। अरे एक मिनट, अभी तो तू कह रहा था कि माँ स्टेज पे है, अभी कह रहा है किससे भी वक्त स्टेज पे एंट्री हो सकती है। सच सच बता सुंदर, सासू माँ कहाँ है? जेठालाल सुंदर के कहने का मतलब ये है कि वो शायद नेपथ्य में। किसमें है? बैक स्टेज। मतलब? अरे मतलब स्टेज के पीछे वो एक ग्रीन रूम होता है ना, वो वीआईपी रूम जहाँ सारे लोग बैठते हैं, वहीं पे होंगी माँ, है ना सुंदरलाल? अच्छा हुआ मेहता साहब आप साथ में आए। क्या मतलब? नहीं 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 कुछ नहीं, अब जाइए आप लोग जाइए। मेरा फोन आया। हेलो सुंदर, मैं जयदीप बोल रहा हूँ। अरे बोल बोल जयदीप, अहमदाबाद से मेरे दोस्त का फोन है। अरे मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ। क्या प्रॉब्लम हुआ? अरे मैं यहाँ पे हाजिर नहीं हूँ, और वहाँ मेरी माँ को अस्पताल में एडमिट किया है, और जल्दी पहुँचना भी इम्पॉसिबल जैसा है, तो क्या तुम अस्पताल जा सकते हो? लेकिन मैं तो यहाँ मुंबई में हूँ, यहाँ मेरी माँ का सम्मान समारोह है, और मैं उसकी व्यवस्था में लगा हूँ। सुंदर मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं भी यहाँ बहुत बुरी तरह से फंसा हूँ। सुंदर तुम कुछ भी करो, मगर वहाँ अस्पताल मम्मी के पास पहुँचो प्लीज सुंदर प्लीज। मैं कोशिश करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। वीरा क्या हुआ? मैं अजीब धर्म संकट में फंस गया हूँ। अहमदाबाद में जयदीप नाम का मेरा दोस्त है, उसकी माँ को अस्पताल में एडमिट किया है, उसके पास कोई नहीं है। मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ रहूँ या वहाँ जाऊँ। जयदीप भी मेरा जिगरी दोस्त है, समझ में नहीं आता है भगवान मेरी ऐसी परीक्षा क्यों लेता है। तो एक काम कर बेटा, तू अपने दोस्त की माँ के पास जा, विवान की चिंता मत कर, हम सब है ना यहाँ पर, तू जा। वीरा तू जा, जब माँ को पता चलेगा कि ऐसा सब हुआ है तो माँ भी यही सलाह देगी। तुम्हें तो पता है
माँ से किसी का दुख देखा नहीं जाता। ठीक है मैं जाता हूँ। और हाँ बका वहाँ एंट्रेंस पे ही खड़ा है, वो आपको आपकी सीट पे बिठा देगा। ओके चलो मैं जाता हूँ, आप लोग जाइए बैठे बैठे अंदर जाके। बका तो यहाँ है नहीं, ये सुंदर का सब ऐसा ही काम होता है, धकेल पचा दौड़ सो। अभी कैसे पता चलेगा कहाँ बैठना है? ये तो यहाँ है। जीजा जी आ गए आप? राम तो कब के आ गए, तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आइए आइए आइए। संभल तो बेटा। दोस्तों अब हम सम्मानित करेंगे श्री बच्चूभाई गांधी जी। बच्चूभाई गांधी जी ने गाय माता की बहुत सेवा की, गौ रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। हम सब जानते हैं कि गाय हमारी माता है और हम उनके बालक हैं, और इसलिए गाय माता की रक्षा के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री बच्चूभाई गांधी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आप सबसे एक विनती है, जब भी गाय पर अत्याचार होते देखें तो उसे रोकें, गाय का जतन करें। हम अपनी माँ का आदर करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और सुंदर भविष्य मिलेगा। माँ को अवार्ड मिल गया। किसकी माँ को? अरे भाई तेरी माँ कोई सचिन तेंदुलकर है जो हर कोई जानता हो, नाम बोल ले। हाँ सॉरी, हाँ बोल। जीवदया बेन को अवार्ड मिल गया। जीवदया बेन आपकी माँ है? हाँ। अभी तक नहीं मिला है, हम भी उन्हें ही देखना है। अच्छा। बहुत नाम सुना है। हाँ ठीक है, तो बहुत नाम। चल बस अभी कितना बात करेगी भाई, चालू है प्रोग्राम। मुझे टेंशन हो रहा है। टप्पू के पापा चलिए ना, हम लोग स्टेज के पीछे जाके माँ को मिल के आते हैं। चलिए। अरे रुक भाई, हम लोग स्टेज के पीछे गए और उसी टाइम पे माँ अवार्ड लेने स्टेज पे आ गई, तो अमूल्य पल देखने से रह जाएगी ना तू। थैंक यू। हाँ यही बैठते हैं, बैठ शांति से। हाँ। भाभी जेठालाल मैं और हम सभी कुल मिला के अवार्ड नाइट पे पहुंच गए। भाई किसी फिल्म की अवार्ड नाइट हो या फिर किसी टेलीविजन की अवार्ड नाइट हो, हर अवार्ड नाइट में इंतजार होता है मुख्य कलाकार का, सुपरस्टार का। और यहाँ इस समाज सेवा की नाइट में इंतजार है दया भाभी की माँ यानी कि जीव दया बेन का, वही सुपरस्टार है इस अवार्ड नाइट की। सबको बेसब्री से इंतजार है कि वो कब आएंगी, और यकीन मानिए जब वो आएंगी तो स्टेज पे तूफान मच जाएगा। ऑडियंस में बैठे हुए हर व्यक्ति के हाथ तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब वो जब आएंगी तो कुछ ऐसा होगा कि आप सब लोग ठहाके लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो सोमवार की रात देखना मत भूलिए कि दया भाभी की माँ की किस तरह से एंट्री होगी स्टेज पे। इतना जरूर यकीन मानिए कि एंट्री इतनी धमाकेदार होगी कि आप घर
घरों में बैठ के तालियां बजाएंगे और कहेंगे मेरे साथ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।